अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। माशरे के खामियों को, सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं सैयद अरशद, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। इलियास शमशी ने नांदेड़ इलेक्शन पर किया अपने ख्यालात का इजहार, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, आज क्राइम टुडे न्यूज़ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब इलियास शमशी साहब, जो समाजी और सियासी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहते हैं और उनका काम है। हम आज नांदेड़ में जो हालात हुए इलेक्शन के ताल्लुक से, उसके ताल्लुक से हम बात करेंगे और उस पर मालूम करने की कोशिश करेंगे कि नांदेड़ के इलेक्शन में कांग्रेस की जो कामयाबी हुई, इसका राज क्या है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, नांदेड़ वागला म्यूनसिपल इलेक्शंस जो हुए हैं, उसका मुख्तसर सा तारुफ ये है कि नांदेड़ के अंदर जुमला 81 सीट्स पर इलेक्शन हुआ है, जो कि तकरीबन 20 वार्ड्स में से तकसीम किया गया। एक एक वार्ड में चार चार कैंडिडेट और 20वें वार्ड में 5 कैंडिडेट ने, एक पैनल होता है नांदेड़ के अंदर, 4 का एक पैनल बनकर एक वार्ड बनता है और वो तमाम वार्ड मिलकर तकरीबन 81 सीट्स होते हैं। इसमें इस बार इलेक्शन में 578 के करीब कैंडिडेट्स ने अपनी अपनी किस्मत आजमाई। और बात करने से पहले मैं गुज़िश्ता का भी आपको ये बता दूं कि लास्ट टाइम जो 2012 में जो नांदेड़ में जो इलेक्शंस हुए थे, उसमें कांग्रेस को 41 सीट मिले थे और कांग्रेस के बाद नंबर 2 पर शिवसेना आई थी, उसे 12 सीट्स मिले थे, और नंबर 3 पर MIM थी, MIM को 11 सीट्स मिले थे और BJP को भी कुछ सीट्स मिले थे, 2 या 5 सीट्स मुझे बराबर से याद नहीं है। इस बार जो इलेक्शन हुआ है, इस बार का इलेक्शन एक नए अंदाज का देखने में मिला है। नए अंदाज में इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि जो 2012 से पहले का जो माहौल बनाया गया था, यानी जज्बाती पॉलिटिक्स, अगर हिंदू है तो हिंदुओं के जज्बात से खेला गया था, मुसलमान है तो मुसलमानों के जज्बात से खेला गया था, यानी एक आम आदमी के मसाइल से हटकर मज़हब को बुनियाद बनाते हुए, जज्बात से खेलते हुए इस तरह की सियासत की गई थी 2012 में भी, और इसकी शुरुआत 2012 में नांदेड़ से ही हुई थी, और ये बढ़ते बढ़ते 2014 में मोदी को आने का ये भी एक बहुत बड़ा सबब बना। मोदी के आने के बाद इस मुल्क की आवाम ने ये महसूस किया कि आवाम जो है अपने रोज़मर्रा के मसाइल से हटकर मज़हब का नाम पर सियासी पार्टियों का खिलौना बन रही है, लिहाजा जो एपिसोड 2012 में शुरू हुआ था वो एपिसोड अब 2017 में जाकर ख़त्म हुआ है। आज जो रिजल्ट्स आए हैं, वो रिजल्ट्स के मुताबिक तकरीबन 70 से 72 तक शायद कांग्रेस जीत चुकी है। अभी एक घंटे के अंदर और कुछ मालूम होगा, 16 नंबर वार्ड के कुछ 4 कैंडिडेट्स पेंडिंग है, और ये भी देखने में आया कि जो MIM ने 11 सीटें लास्ट वक्त जीती थी, इस बार MIM का सफाया हो चुका है, और BJP जहाँ थी BJP वहीं है। इस बार जो मेजर नुकसान हुआ है, वो मेजर नुकसान उठाने वाली पार्टीज़ में MIM है, NCP है, शिवसेना है, ये तीनों पार्टीज़ जो 11-12 सीट्स लेकर अपना एक मुकाम बना चुकी थी, चूँकि नांदेड़ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कांग्रेस के पास ही थी, तो लिहाजा कांग्रेस ने उसे रिटेन किया है, वापस लिया है। इस इलेक्शन में ख़ास बात क्राइम टुडे के नाज़रीन के लिए मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने तकरीबन 24 मुसलमानों को टिकट दिया था, और वो 24 में से 24 के 24 मुसलमान जीत कर आए हैं। ये कांग्रेस के बैनर पर मुसलमानों का जीत कर आना, ये बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें जो है, जो ये इलेक्शन में लगाया गया है कि VVPAT जी, इसका कितना असर हुआ होगा इसके हाँ, देखिए 2014 के बाद से ही ये देखने में आ रहा था। मैं आपको आम आदमी पार्टी के इलेक्शन की भी मैं आपको याद दिला दूं, उसके बाद GHMC का यहाँ का जो म्यूनसिपल इलेक्शन हुआ था, जिसमें KTR साहब ने दावा किया था कि हम 102 सीट लाएंगे, और हुआ भी वैसे ही था। यानी जो दावे किए गए थे, वो दावे आने के बाद ये देखने में आ रहा था कि EVM के अंदर गड़बड़ है, और इस गड़बड़ के ऊपर एतराज़ात हुए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एतराज़ किया, कुलहिंद सतह पर कई पार्टियों ने जब अपना एहतजाज दर्ज करवाया, तो इलेक्शन कमीशन ने VVPAT वेरीफेबल स्लिप, यानी जब कोई आदमी EVM पर वोट डालता है तो बाजू एक और एक मशीन लगी हुई होती है, उसे VVPAT कहते हैं, उससे एक स्लिप निकल कर आती है कि उन्होंने किसे वोट डाला। अगर किसी को फ़र्ज़ करिए कि उन्होंने पंजे को वोट डाला, और अगर फूल की स्लिप अगर निकल के आती है तो वो अपना एहतजाज दर्ज करवा सकता। तो ये नांदेड़ इलेक्शन में ये पहला मौका था एक म्यूनसिपल इलेक्शन में कि वो मशीनें लगाई गई, हालांकि काफ़ी तकलीफ़ से जूझा गया। तकरीबन
25% मशीनों के अंदर प्रॉब्लम दर्ज किया गया। टोटल इलेक्शन का जो परसेंटेज रहा वो 67% की पोलिंग हुई थी। इस पोलिंग के अंदर कुछ मशीनें भी सताई, लेकिन ये खुशायन बात है कि मशीन लगाने के बाद आवाम भी मुतमईन रही। और ये आज जो नतायज देखने में आ रहे हैं, ये नतायज देखने के बाद कहीं ये भी हो सकता था कि जो लोग सवाल अभी तक उठा रहे थे कि बीजेपी ने गड़बड़ की, अगर ये वीवीपैट मशीन नहीं होती तो यही लोग फिर कहते थे कि कांग्रेस ने भी गड़बड़ की। लिहाजा वीवीपैट आने के बाद ये बात साफ़ हो गई है कि किसने किसे वोट डाला। हर एक वोटर ने अपने तौर पर अपनी स्लिप देख ली। ये बहुत अच्छा और खुशायन इकदाम। तो आने वाले टाइम में भी ये बरकरार रही? हाँ, ये शुरुआत यहाँ से हुई है। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले में बहुत ही सीरियस नोट लिया है और उम्मीद की जा रही है कि ये 2019 के इलेक्शन से पहले भी, अभी गुजरात और हिमाचल के इलेक्शंस भी आज अनाउंस होने वाले थे, वहाँ पर भी देखना ये रहेगा कि वहाँ भी इस्तेमाल होते हैं, कि अगर इस्तेमाल होते हैं तो मुमकिन है कि 2019 का जो इलेक्शन है उसमें भी इस्तेमाल की जाएगी। ये इलेक्शन में इमरान प्रताप गटी का इसमें क्या रोल है? लास्ट टाइम वो मंजिस के ऊपर लगे थे, आज जो है कांग्रेस के ऊपर। जी, यूपी के जो शायर है इमरान प्रताप गड़ी, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दावत दी थी, तकरीबन 2 या 3 दिन का उनका प्रोग्राम था और लगातार उन्होंने 6 बजे एक मीटिंग, 7 बजे एक मीटिंग, 8 बजे एक मीटिंग, ऐसा उन्होंने मीटिंगें कवर की, अपनी शायरी की, तकरीर की और अपनी तकरीर के ज़रिए लोगों को हमवार करने की कोशिश की। उसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी के सिलसिले में कई चीज़ें फेसबुक और सोशल मीडिया के अंदर दूसरी पार्टियों की तरफ से चलाई गई कि ये दलाल है, ये पैसे लेता है, करता है। तो मेरा अपना मानना यह है कि कौन पैसे नहीं लेता है, कौन घर का खा के मामू के बकरियां चराता है। कोई आदमी आता है तो फ्लाइट का किराया भी होता है, होटल में रुकना भी होता है, उसके साथ अपने लोग लगे रहते हैं तो उसके खर्चे भी होते हैं। तो ये लेना देना, अगर किसी पार्टी ने लास्ट टाइम इमरान प्रताप गढ़ी को बुलाया था तो उन्होंने भी उसे पैसा दिया था। अब अगर इस बार कांग्रेस ने बुलाया तो हो सकता है कि उन्होंने दिया या नहीं दिया, मुझे इस बात की कोई मेरे पास तौसीख नहीं है। लेकिन इमरान प्रताप गढ़ी का जो फैक्टर रहा, मैंने खुद तकरीबन नांदेड़ में मैंने देखा है कि इमरान प्रताप गढ़ी की एक एक मीटिंग में 20,000 से 25,000 की पब्लिक रही है। इसके बरखिलाफ़ MIM की जो सोशल मीडिया के अंदर जो नौजवान जो जोशीले लड़के हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की। ये गलती काबिल गिरफ्त है कि उन्होंने अकबरुद्दीन अवैसी साहब की मीटिंग से पहले ये बावर करवा दिया कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है 1,80,000 की पब्लिक आने वाली है, और जलसे के बाद भी ये कह दिया कि 1,80,000 पब्लिक आई है। जबकि कोई मैदान या फिर कोई बड़े चौरस से, मैं तो प्रैक्टिकली देखा हूँ, मेरा घूमना फिरना लगा रहता है कि उतनी पब्लिक का जमा होना नामुमकिन है। तो मुझे लगता है कि MIM की हार के पीछे खुद MIM के वर्कर्स का ही बहुत बड़ा रोल है। आप जब वहाँ का जायज़ा लिए, वहाँ खुद आप गए हुए थे, तो आपको क्या लगता है कि मंजिस की शिकस्त के पीछे किसका हाथ है, क्या उनकी वजह क्या है और कांग्रेस की इतनी भारी अक्सर से कामयाब होना? देखिए, मजलिस की शिकस्त के पीछे मजलिस का ही हाथ है और कांग्रेस की कामयाबी के पीछे कांग्रेस का ही हाथ है। देखिए, जो मेहनत करेगा उसे फल मिलेगा, और जो कहना तो नहीं चाहिए मीडिया के ज़रिए, लेकिन आपने सवाल किया तो ये कहता हूँ कि रोड साइड मुखबिर अलग होता है और पॉलिटिकल पार्टी की इंटेलिजेंस अलग होती है। देखिए, मजलिस जहाँ तक हैदराबाद के हद तक है तो एक रियासती पार्टी और उसका अपना वजूद है, लेकिन जब मजलिस बाहर निकल कर जाती है, यूपी इलेक्शन है या बिहार इलेक्शन है, महाराष्ट्र इलेक्शन है, तो मजलिस को भी उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर रखना पड़ेगा, उसी तरह के उन्हें अपने जो है मुशीर रखना पड़ेगा। यानी देखकर ताज्जुब होता है कि जो शख्स का अपना कोई वजूद नहीं है, जिन्हें कोई सियासी बसीरत नहीं है, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और मुझे जहाँ तक इस बात की खबर मिली है कि MIM की लीडरशिप को खुद उन्हीं के अपने लीडर्स ने यह गलत इत्तला दी, जैसे मोइन साहब जो महाराष्ट्र के सदर हैं, वो गिरफ़्तार हो चुके थे। वहाँ पे एक नासिर नाम का कैंडिडेट था, नासिर से उनकी झड़प हो गई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। मोइन साहब के वालदा भी इलेक्शन हार चुके हैं। जैसे जब मोइन साहब का मैंने वाक़या देखा तो मुझे हैदराबाद के हौस का वाक़या याद आया कि हैदराबाद आपका गढ़ है, आप हौस जो कॉरपोरेटर आपके पास थे, फिर वापस कांग्रेस में गए तो उन पर हमला किया गया, वो पुलिस में गए। तो जिस तरह मजलिस का गढ़ हैदराबाद था तो हौस को दबाया गया, उसी तरह कांग्रेस का गढ़ नांदेड़ था तो मोइन को दबाया गया। यानी टिट फॉर टैट, ये एक सियासी लड़ाई है और सियासी लड़ाई में कोई चीज़ पर्सनल नहीं लेनी चाहिए। उनसे जो हो सकता था उन्होंने किया, यहाँ पे इनसे जो हो सकता था इन्होंने किया, और पॉलिटिकल फाइट को पॉलिटिकल फाइट ही रखना चाहिए, पर्सनल फाइट नहीं रखना चाहिए। और MIM की हार के पीछे पर्सनल लिया गया,
कि ऐसी ऐसी बातें गलत बावर करवाई गई और ऐसे ऐसे अफवाहें छोड़ी गई और ये साबित करने की कोशिश की गई और इस तरह के बातें की गई कि ये जो MIM से छोड़कर MIM के जुमला 11 कॉरपोरेटर थे नांदेड़ में, 11 में से 9 कॉरपोरेटर कांग्रेस के टिकट पर लड़े, यानी कांग्रेस ज्वाइन किए, 2 को छोड़कर, तो ये बात कही गई कि गद्दार है। यानी आप उन्हीं की ज़मीन पर, नांदेड़ की ज़मीन पर ठहर के वहीं के लोगों को अगर आप गद्दार कहेंगे तो बताइए क्या वोटर आपका साथ देगा। तो ये MIM की जो सुप्रीमो हैं और MIM की जो बड़ी लीडरशिप है, बड़ी लीडरशिप को जो इनपुट दिया गया, जो उन्हें फीडबैक दिया गया, वो फीडबैक देने वाले वो मेयारी लोग नहीं है, काबिल लोग नहीं है। और उन्हीं की वजह से मेरा अपना मानना ये है कि कांग्रेस की वजह से MIM हारी नहीं है, बल्कि MIM की वजह से हारी है और कांग्रेस की वजह से जीती। अब आने वाला जो टाइम है मंजिल का, ये कितना आसान होगा सफर इनका ये शिकस्त के बाद? देखिए, MIM के लिए जैसे MIM की शुरुआत भी नांदेड़ से हुई थी और आज हार भी जो MIM की हुई है, कहा तो जा रहा है कि MIM ख़त्म भी नांदेड़ पर हुई है, ये कहना गलत है कि नांदेड़ से MIM का हारने का मतलब ये है कि MIM ख़त्म हो चुकी है। अगर MIM पार्टी अगर ऑल इंडिया लेवल पर अगर कुछ करना चाहती है तो MIM को चाहिए कि वो प्रोफेशनल अंदाज में काम करे, पॉलिटिकल पार्टी के अंदाज में काम करे। पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह काम करती है, देखिए सबसे पहली बुनियादी बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल पर जाती है तो उसका अपना ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उसका अपना प्रेसिडेंट तो होता है, सेक्रेटरी नहीं होता है, जॉइंट सेक्रेटरी नहीं होता है, बूथ लेवल तक की कमेटी का अपना वजूद होता है, यानी बूथ लेवल कमेटी होती है, डिवीज़न कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, असेंबली कमेटी होती है, यानी कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर के बाद ही जाकर आप वोटर तक पहुँच सकते हैं। तो MIM को चाहिए कि अगर MIM ऑल इंडिया लेवल पर अगर अपनी गिरफ्त बाकी रखना चाहती है तो ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करें, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जो लोग हैं उन लोगों पर अपनी गिरफ्त रखें। और जैसे मैं आम तौर पर ये कहते भी आता हूँ कि मायावती के सवाल के पीछे मायावती का ही हाथ है कि मायावती अपने आम वर्कर से कट चुकी थी, ऐसे ही नांदेड़ और हैदराबाद के बाहर जहाँ तक भी बात है, मैं वहाँ पर रह के देखा हूँ, काफ़ी लोगों से मैंने बात भी की है, तो लोगों का कहना ये था कि हम दारुसलाम जाते हैं तो हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। यानी ये बात छोटी नहीं है, ये बात बहुत अहमियत वाली है। तो MIM के मामले में ये कहना गलत होगा कि MIM ख़त्म हो चुकी है, हर पार्टी है, पार्टी को लड़ना चाहिए, उसका अपना वजूद है। और MIM के लिए बेहतर होगा कि अगर वो अपनी ग्रिप बनाना चाहती है तो पॉलिटिकल फाइट लड़े, पॉलिटिकल अंदाज में आकर लड़े। जैसे गुंडागर्दी वगैरह के नाम पर MIM को बदनाम किया गया और हमने ऐसे कई वाक़ियात देखे भी हैं, तो सुलझे हुए लोगों की ज़रूरत है, उलझे हुए लोगों से बचने की ज़रूरत है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे साथ एलिया सब सारे बातों का खुलासा किया है और कांग्रेस की कामयाबी और मंजिल की नाकामयाबी, ये दोनों का एलिया शमशी ने वाजह तौर पर बता दिया कि ये दोनों की अपनी अपनी वजूहत है जिसकी वजह से इन्होंने कामयाब हुए और शिकस्त खाई। सैयद अरशद के साथ महेश अग्रमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। सच की तलाश का नाम, आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।